हेलो नमस्कार एवरीवन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है जेई मेन फर्स्ट सेशन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी यार आपके दो दिन एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो चुके हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे थे कि हमारे टॉप एन के लिए कैटेगरी वाइज क्या एक सेफ परसेंटाइज होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आपको टॉप एन में आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कैटेगरी जनरल ओ बी सी एस सी एस टी और ई डब्ल्यू एस के लिए कि आपके लिए क्या सेफ परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम होनी चाहिए जिससे आपको कहीं ना कहीं एन आई टी में एक अच्छा ब्रांच आपको मिल जाए तो मेक श्योर sure इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है अपने एग्जाम्स का वो भी ज़रूर शेयर करें सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे जो भी यहाँ पे एन एग्जाम कंडक्ट करवाता है कई शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से जो आपका स्कोर होता है वो आपका परसेंटाइल में आता है जैसा कि आप लोग को पता है एन टी ए हर साल आपका ये नॉर्मलाइज करता है राइट एंड परसेंटाइल में रिजल्ट आने का रीजन भी यही है कि जिससे आप में से जो भी स्टूडेंट का जो भी एग्जाम्स अलग अलग डे होता है तो जिससे आपका जो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आता है जिससे किसी भी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस ना हो ऐसा एन टी ए बोलता है मैं वीडियो में आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे बट उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अन अकेडमी रिपब्लिक डे पे बहुत ही बड़ा यहां पे आप लोग को अपने सभी सब्सक्रिप्शन पे ऑफर दे रहा है जैसा कि आप लोग को पता है पहले अन अकेडमी पर आप लोग को टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता था बज कोड यूज़ करने पे बट अगर आप अभी कोई भी सब्सक्रिप्स लेते हैं अट्ठाईस जनवरी तक तो आपको यहाँ पे थर्टी परसेंट सेव करने का मौका मिल जाता है अगर आप मेरा कोड बी डबल जेड यूज़ करते हैं तो आपको ट्वेंटी परसेंट तो स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा बाकी थर्टी फर्स्ट से आपकी जो प्राइस है वो हाइक होने वाली है बाई टेन परसेंट तो ओवरऑल यहाँ पे आप अप टू थर्टी परसेंट तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑफ़र की लास्ट डेट आपकी ट्वेंटी एट जनवरी है जल्दी से आप इसको ग्रैब कर लीजिए और कोड और आपको लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो ओवरऑल एक आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी स्टूडेंट को अन अकेडमी पर पढ़ना है इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ मल्टीपल बैचेज़ का एक्सेस मिल जाता है टॉप इंडिया के जो भी एजुकेटर्स हैं उनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जाकर आप इसे तुरंत अवेल कर सकते हैं पहले आप लोगों को पता होगा अगर जेईम मेन का एग्जाम की अगर हम बात करें तो हंड्रेड परसेंट टाइल में से अगर हम यहाँ पे एस टी कैटेगरी की बात करें अगर आप में से कोई स्टूडेंट कैंडिडेट एस टी कैटेगरी में है और उसको सेफ अगर हम बात करें टॉप एन आई टी के लिए के कितना आपका होना चाहिए राइट तो कम से कम आप यहाँ पे अगर एट्टी फाइव परसेंट टाइल भी लेकर आ रहे हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं आपको कहीं ना कहीं टॉप एन में आराम से एडमिशन मिल जाएगा इवन आपको सी भी मिल सकता है लोअर एनआईटीज में बाकी आप जितना मैक्सिमाइज कर पाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं अगर आप पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं तो इस केस में यार आप बस एग्ज़ाम लिख के आ जाओ अगर आपके थर्टी फोर्टी भी परसेंटाइल आते हैं तो भी आप सेफ जोन में एकदम होते हो और कहीं ना कहीं आपको एन आराम से मिल जाती है अब हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो कि एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखो यार अगर आप एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और इस कैटेगरी में भी अगर आप एट्टी सेवन प्लस हो आराम से आपको कोई ना कोई एन में आराम से एडमिशन मिल जाएगा और इससे ऊपर जैसे जैसे लाते जाओगे आपको ब्रांचेज में प्रायोरिटी मिलती जाएगी और जो टॉप एनआरिटीज़ हैं उसमें भी आपको प्रायोरिटी मिलती जाएगी यानी कि इतने पे आप एकदम सेफ हो अब इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है मैं ऐसा नहीं करूँ कि बस इतना ही है तो इस बात को यार आप ध्यान में ज़रूर रखें नेक्स्ट यहाँ ने पे हम बात करते हैं जो कैंडिडेट ओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो देखो ओ कैटेगरी से अगर हम बिलोंग करते हैं तो कम से कम आप इतना मान के चलो कि यार आपका नाइन्टी परसेंटाइल से ऊपर होना ज़रूरी है अगर आपको किसी अच्छे एन में एडमिशन चाहिए उस कंडीशन में राइट right? और एक कंडीशन मैं आपको और बता दूं 95 फाइव पर भी बहुत सारे स्टूडेंट को सी नहीं मिलता है तो कम से कम अगर आप सी के लिए स्पेसिफ़िक जाना चाह रहे हो तो कम से कम आप 97 98 परसेंटाइल का टारगेट बनाकर चलो इतने अगर आपके आ रहे हैं देन यू आर इन इन सेफ जोन कि कहीं ना कहीं आपको सी आराम से मिल जाएगा अब बात करते हैं ई के कैंडिडेट का देखो ई कैंडिडेट का भी लगभग ओ के नियरली ही रहता है तो आप 96 के आसपास मान के चल सकते हो तो हालांकि कट ऑफ लास्ट ईयर की बात करें तो ई कैंडिडेट का बहुत ही लो गया था ओ से भी लो ठीक है और अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्टूडेंट के पास कोई रिजर्वेशन नहीं होता स्पेशली वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम आपको इतना मान के चलना है कि नाइन्टी सेवन ठीक है ये आपके लिए एक सेफ जोन है जिसमें कहीं ना कहीं आपको एन आराम से मिल जाएगा हालांकि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है तो उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लें हमारी एन अकेडमी जो भी क्लासेस होती हैं सारा का सारा लिंक आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर भी तो वहाँ पर आपको प्रॉपर कोई भी अगर आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है